नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं एक जगह विजिट करने गई तो वहाँ ढेर सारे मुझे कैरोटन के प्लांट्स दिखाई दिए जो मेरे यहाँ नहीं थे। तो मैं वहाँ से कुछ कटिंग्स ले आई हूँ जिसे मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, अभी समय नहीं है कटिंग्स लगाने का। इतनी गर्मी, इतने धूप में अगर कटिंग्स लगाए जाएंगे तो उनके सर्वाइव करने की में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि वे सरवाइव ना कर पाए, लेकिन मैं वहाँ दोबारे नहीं जा सकती थी तो मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ और इसको लगा कर देखती हूँ कि इतनी गर्मी में मैं उसको क्या केयर दे पा रही हूँ और ये प्लांट बन पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, कभी-कभी आपके साथ भी इस तरह की बातें आएंगी, आपको कटिंग्स मिलते रहेंगे और बरसात का समय नहीं होगा। कटिंग्स हमें बरसात में ही लगानी चाहिए। तो लेकिन इस मुसीबत से बचने के लिए हमें क्या करनी है, कैसे करनी है, इन चीज़ों को आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं आपसे ये बातें करना चाहती हूँ कि जहाँ से मैं कटिंग्स लाई हूँ उसको मैं किस तरह से लाई हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप एक यहाँ पॉलिथीन का बैग देख रहे होंगे। इस पॉलिथीन बैग में मैंने कटिंग्स को रखा है। इसमें मैं इसको पैक करके वहाँ से लाई थी। ये मैं इसमें से निकालती हूँ। ये देखो, एक इसमें इधर से निकल गए हैं। तो ये पेपर हैं, पेपर में मैंने इन कटिंग्स को रखा हुआ है। तो जब भी कहीं आप कटिंग्स ले जाएं या कहीं से लेकर आएं तो उनको आप इसी तरह से पेपर में लपेट लो। लपेट करके पेपर को भींगा दो, गीला कर दो, पानी से इसको अच्छी तरह से भींगा दो और इसके बाद पॉलीथीन में पैक करके लाओ तो ये सरवाइव कर जाएंगे। लाने के बाद भी आपको फुर्सत नहीं मिली, एक दो दिन आप कटिंग को नहीं लगा पा रहे हो, तो उस हालत में इसको क्या करने हैं कि आपको फ्रीज में थोड़ी सी जगह बना लो और उसमें इसको रख लो तो ये सरवाइव कर जाएंगे। तो अभी देखो इनकी स्थिति क्या है। इस तरह से मैंने उसको वहाँ से कटिंग्स को लाई है। ये हैं कटिंग्स इसके। पेपर को मैं इसमें से निकाल के हटा देती हूँ। ये सारे के सारे कैरोटन्स के वेराइटी हैं। कैरोटन के बहुत सारे वेराइटी होते हैं, बहुत सारे वेराइटी मेरे पास हैं और जो नहीं है वो मुझे दिखाई दिए तो मुझे लगा कि चलो मैं इसको कलेक्ट कर लेती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। तो इसी में अभी क्या करूँगी, इसमें ध्यान देने की बात ये होती है, मैं इसे काट काट के लाई हूँ। अब इसमें देखनी ये है कि कहीं उल्टी ना लग जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ जो कटा हुआ पोर्शन है इस पर ध्यान देना है। इसमें यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको नज़र आएगी कि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मैं रखी हुई हूँ। इसमें तो मैंने थोड़े से बड़े ही ये काट के रखे हुए हैं इसलिए ये पता चल जा रहा है, लेकिन अगर बहुत नज़दीक से काटने के बाद, एक तो काटनी नहीं चाहिए बहुत नज़दीक से, दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा काट देते हो तो कभी ऐसी गलती भी हो सकती है कि प्लांट सीधा के बदले उल्टे लग जाए। तो इसमें हमें गौर करने की बात ये होती है कि आप ये देखो कि ये किस तरफ इसके पत्ते का ये है। यहाँ जब पत्ते हटे हुए हैं
इस पर भी आप गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर का हिस्सा कौन है और नीचे का कौन है। तो मैं इसको अभी नीचे से थोड़ी सी और काट दूंगी, क्योंकि ये बहुत पुराने कटे हुए हैं, तो मैंने यहाँ काटने के लिए रखे हुए हैं तो काट दूंगी। और यहाँ मैंने फर्स्ट रूट रखे हुए हैं, फर्स्ट रूट यानी रूट हार्मोन्स, ये यहाँ भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। ऐसे मेरी बात ये है कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इसे अमेजोन से लेकर मैं मंगवाई थी, वहाँ से मैंने इसे मंगवाया था। तो इसको थोड़े ये पाउडर के जैसे हैं, इनको मैंने घोल के यहाँ रखा हुआ है, ये पाउडर हैं, और घोल कर मैंने इन्हें पानी में घोल कर, देखो पत्ते गिर गए हैं, तो इसको मैंने पानी में घोल के रखा हुआ है। अब इसको मैं इसमें लगा दूंगी। इसको छीलने के बाद थोड़ी थोड़ी सी नीचे की तरफ से हल्के हल्के से चाकू से हटा कर मैंने इसमें फर्स्ट रूट रूट हार्मोन्स लगा दिए हैं। अब इसको सॉइल में, मैं यहाँ सॉइल में इसको लगा दूंगी। सॉइल में लगाने से पहले यहाँ के सॉइल को काफ़ी हल्की कर ली जाती है, इस तरह से इसको अच्छी तरह से हल्की कर लें। हल्की करने के बाद आपको इसमें हार्मोन्स रूट जो हम लोगों ने लगाए हैं उसके लिए, इसमें आप लगाने से पहले इस तरह से एक कोई चीज़ से होल कर लो, इस तरह से यूँ, तो ये अच्छा रहता है, ताकि जो हम लोगों ने हार्मोन्स इसमें लगा के रखे हैं, रूट हार्मोन्स लगाए हैं, वो ख़राब ना हो। इस तरह से इसमें मैं इसको होल कर दे रही हूँ। होल करने के बाद इसमें रूट्स को डाल देने हैं। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है मैंने कितने बनाए हैं, कितने प्लांट्स के कटिंग्स मेरे पास हैं, फिर भी मैं कुछ ज़्यादा ही होल कर लेती हूँ, देखती हूँ कितने होल्स इसमें हैं और कितने कटिंग्स हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें होल कर लिए, तो इस तरह से होल कर लिया करें। और इसके बाद इसमें से एक एक प्लांट को आप लो जिसमें रूट हार्मोन्स लगे हुए हैं, इसको 45 डिग्री के एंगल पर इसको इसमें डाल दो यूँ, और बगल से मिट्टी को दबा देनी है, यहाँ पर मिट्टी को दबा देनी है। फिर दूसरे वाले लेते हैं, यहाँ दबा देते हैं, इसमें लगाते हैं यूँ, और इसको ऐसे करके इसको दबा देते हैं। फिर एक और यहाँ लेकर इसको मैं इसमें ऐसे दबा देती हूँ, थोड़े से 45 डिग्री के एंगल पर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि पानी वगैरह जो हम लोग ऊपर से देते हैं वे भी हट जाएँ और रूट्स को भी निकलने में सहूलियत होती है, इसलिए इसको 45 डिग्री के एंगल पर ही आप इसमें लगाया करें यूँ, थोड़ी सी दबाते हुए, जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी कड़ी लगे वहाँ पर इसको ऐसे करके दबा दो। यो हो गए ऐसे। इसके बाद आपको इसकी केयर बहुत ज़्यादा रखनी होगी, मॉइस्चर यहाँ पर बनाए रखना होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक कटिंग कर लगाने का समय नहीं है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते हैं तो जब कटिंग लगाने का बरसात का समय शुरू हो तो आप इसी तरह से, मैं पहले से ही इसको आपको शो कर देती हूँ, इसी तरह से आप कटिंग्स लगा लिया करो। तो इस तरह से लगाने के बाद अब इसमें पानी, अच्छी तरह से पानी डाल देते हैं। पानी मैं यहाँ लाई हुई हूँ, इसको अच्छी तरह से आप इसमें डाल दो, देखो किस तरह से पानी जा रहे हैं, सारे वाटर
क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ। मेरे यहाँ भी काफी गर्मी हो गई है। अगर आप बरसात में भी कटिंग लगाएं तो इसी तरह से आप इसको लगाया करें तो रिजल्ट काफी अच्छे आने की संभावना रहती है। ऐसे रूट हार्मोन्स आपके पास अगर ना हो तो उस स्थिति में आप हल्दी, हल्दी तो हर घर में होता ही है, हल्दी पाउडर में भी, ये थोड़े से बड़े हैं इसलिए थोड़े झुक जा रहे हैं तो थोड़े इनको और नीचे करने पड़ रहे हैं। इस तरह से अच्छी तरह से इसको पानी से, काफ़ी पानी से इसको मॉइस्चर बना के रखना है। ये ख़त्म ना हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए इनका केयर काफ़ी करना पड़ेगा मुझे, तो इस तरह से मैंने इसमें इसको डाल दी। अब मेरे पास दो तीन ऑप्शन हैं, या तो मैं इसे इसको ढक दूं, ढक कर इसके ऊपर मैं पेपर डाल दूं, ऐसे करके मैं इसको इसके ऊपर ढक देती हूं और पेपर डाल देती हूं, तो इस तरह से मैंने इसे ढक दिया है। थोड़ी थोड़ी सी नीचे से खाली भी रहने दी है ताकि एयर सर्कुलेशन जो है वो इनको होते रहे, और ऊपर से मैंने इसमें पेपर भिंगा के डाल दिए हैं ताकि ये ज़्यादा इनके पत्ते को, इनके ब्रांच को, इनके स्टेम को, नमी को बना के रखे। तो दोस्तों इस तरह से अगर बिना टाइम का, अनसीजनल, जब इसका समय ना हो उस समय अगर कटिंग लगानी हो तो हमें इस तरह से करके कटिंग लगानी है। अब समय बताएगा कि इसमें से कितने सारे प्लांट्स बनते हैं और कितने नहीं बन पाते हैं, क्योंकि गर्मी आप देख रहे होंगे अभी भी आपकी प्रचंड धूप यहाँ पर है, तो ये अच्छे से सारे के सारे, मैं तो यही चाहूँगी सारे के सारे प्लांट्स बन के तैयार हो जाएं। इसी के साथ नगीना शर्मा आप लोगों से आज विदा ले रही है, फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।